वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हमारा डेरिवेटिव का फिफ्थ लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उनका हमने डेरिवेटिव भी फाइंड आउट किया था, यानी कि हमने एक्सरसाइज 5.4 की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होती है? अभी तक हमने उन फंक्शन का डेरिवेटिव किया है जो या तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज द पावर 2, या तो बेस वेरिएबल है पावर कॉन्स्टेंट है, या बेस कॉन्स्टेंट है पावर वेरिएबल है। अभी तक हमने उन टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट नहीं किया एक्स रेज द पावर साइन एक्स, यानी कि वेरिएबल रेज द पावर वेरिएबल, या साइन एक्स रेज द पावर कोस एक्स। इस टाइप के फंक्शंस का हमने अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया। इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और इसके लिए हमें लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत है। तो प्रॉपर्टीज है हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉग ऑफ एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। और इस प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जनरलाइज हो जाती है लॉग एम इंटू एन इंटू पी, दिस इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। देखिए अभी जितने भी फॉर्मूले हैं हमने यहां पे बेस मेंशन नहीं किया। बेस क्या होता है, लॉग क्या होता है, ये आपको आपका जो लास्ट लेक्चर था उसको आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। यहां पर बेस हमने मेंशन नहीं किया। बेस अगर लॉग ऑफ एक्स का मतलब है, अगर हम नेचुरल लॉगरिथम, इसका मतलब इसका बेस ई है। अगर हम यहां पे जहां पे भी एनसीईआरटी में हमने ये लिख दिया लॉग एक्स, इसका मतलब दिस इज द नेचुरल लॉगरिथम, यानी कि इसका बेस कितना ई, इट मींस यहां पे बेस हमारा कितना ई। तो लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम रेज द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। बेस चेंज फॉर्मूला, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी। ये आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है। लॉग वन की वैल्यू जीरो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ई है, क्योंकि ई की पावर जीरो, दिस इंप्लाइज ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है ए की पावर जीरो। और लॉग ई, लॉगरिथम जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे आपने किया था इनवर्स ट्रिगो में एफ एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है ना, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी तरह लॉग और ई आपस में आप कह सकते हैं कि कैंसिल हो जाते हैं। लॉग ई हमारा वन होता है, क्यों होता है? इधर देखें, लॉग ई इसका बेस कितना, ई इज इक्वल टू वन, यानी कि ई रेज द पावर वन ई के इक्वल होता है। लॉग ई रेज द पावर एक्स एक्स के इक्वल होता है, आप समझ सकते हैं लॉग ई वन होता है, तो बचा एक्स। ई रेज द पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, वही e से लोग आप समझ सकते हैं कि कट गया, तो क्या बचा हमारे पास x। ये प्रॉपर्टीज है हमारी, जो कि कुछ एक प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग की, हम तीन जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.5। पहले हम एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ देखिए हम कैसे यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बीएस का मतलब बोथ साइड्स, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज द पावर एक्स, लॉग वाई लॉग एम रेज द पावर एन। यहां पे अब ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो एन हमारा यहां पे क्या हुआ, ऊपर पावर एक्स, और एन कितना हुआ एक्स, तो एक्स लॉग एक्स, since log m raised to the power n and log m, differentiate both sides with respect to x, differentiate both sides with respect to x, so d by dx of log y is equal to derivative of x log x। अब देखिए log x का derivative क्या होता है, 1 by x, ये log u है। पहले log y का चेन रूल जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, log y का डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू y 1 by y, फिर y का और लेंगे
डीवाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहां पे, क्योंकि यहां पे दो फंक्शन है। अब ध्यान, ये आप पता होना चाहिए कितने फंक्शन है, एक्स अकेला एक फंक्शन हो गया, लोग एक्स अनदर फंक्शन हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, और सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है पता ही आपको, वन, तो वन बाई वाई, तो डिवाइड बाई डीएक्स यहां से निकालेंगे, हमें तो डिवाइड बाई डीएक्स निकालना है ना, तो वाई उधर चला गया, तो एक्स लोग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स लोग एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो दिस इंप्लाइज डीवाई बाई डी एक्स वाई कैंसिल हो गया वन प्लस लॉग एक्स, और वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहीं पे, पुट कर देते हैं वाई की वैल्यू, देखिए वन से एक्स रेज द पावर एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। हमने जो डेरिवेटिव निकाला है इस फंक्शन का, कैसे निकाला, बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डीवाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। डिफरेंशिएट द फंक्शंस cos x cos 2x into cos 3x, let y is equal to, इसको हम y मान लेते हैं, cos x cos 2x cos 3x, taking log on both sides, देखिए cos x तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, हम प्रोडक्ट रूल का भी यूज कर सकते हैं, दो फंक्शन आपस में एक, दो फंक्शन को एक मान लो, और जो cos 3x है इसको मान लो, दिस इज द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, एक बार फिर दोबारा हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या फंक्शन है हमारा वेरिएबल में, तो उन्हीं पे लगता है हमारा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अभी तक हमने किया है, जैसे हम x की पावर 2 का डेरिवेटिव निकालते हैं अभी तक हमने किया है, या हमने अभी तक निकाला है 2 की पावर x का डायरेक्ट हमने डेरिवेटिव निकाला है, तो जितने भी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला है वहां पे भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बट इनके लिए तो हमारी मेन है जैसे x रेज द पावर sin x, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x cos 2x cos 3x log m into p, तो यहां पे प्रॉपर्टी लगा दी हमने लॉगरिथम की, log cos x हो गया प्लस log cos 2x log cos 3x, सिंस प्रॉपर्टी लगाई हमने cos log m into p, log m प्लस log n प्लस log p, क्योंकि log m into n होता था हमारा log m प्लस n, तो इस प्रॉपर्टी को मैंने बोला था एक्सटेंड कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, अगर चार हमारे m n p q हो तब भी log m plus n plus log p plus log q हो जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमने dy by dx निकालना है, तो log y dy by dx सबका डेरिवेटिव हो जाएगा, log y डेरिवेटिव ऑफ log cos x डेरिवेटिव ऑफ log cos 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log cos 3x, log y का डेरिवेटिव लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है, इस log x का 1 बाई x होता है तो log y का 1 बाई y, बट y का और लेंगे dy बाई dx, log cos x, log u, जैसे log x का डेरिवेटिव लास्ट लेक्चर में हमने किया, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, अरे x की जगह कुछ और आ जाए फिर x का और लेना होता है, बट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हुआ, अब डेरिवेटिव log u, तो log u का पहले 1 बाई u, जैसे log x का होता है, फिर u का और लेना होता है डेरिवेटिव, u का du बाई dx और आ जाता है, तो ये हमारा log के बाद कुछ भी हो आप उसको u समझेंगे, log u 1 बाई u, डेरिवेटिव किसका u का, वन बाई यू डेरिवेटिव u, वन बाई यू डेरिवेटिव u, ठीक है, तो वन बाई वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स, वन बाई कॉस टू एक्स, और कोस टू एक्स का क्या हो गया, कोस यू जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया था, साइन माइनस साइन टू एक्स, और टू एक्स का फिर आएगा टू माइनस टू साइन टू एक्स, वन बाई कोस थ्री एक्स, और इसका क्या आएगा माइनस थ्री साइन थ्री एक्स। तो हमारा क्या बना डीवाई बाई डी एक्स वाई माइनस टेन एक्स माइनस टू साइन बाई कॉस टेन टू एक्स माइनस थ्री टेन थ्री एक्स। और वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, देखो वाई की वैल्यू क्या हमारी यूजिंग वन, कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, और माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा था टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स, ये आ गया हमारा आंसर। किसका यूज किया, यूजिंग वन, यूजिंग इक्वेशन वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा फंक्शन दे रखा है, हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लग गया, इसका स्क्वायर रूट का मतलब है पावर वन बाई टू, लॉग वाई लॉग एम रेज टू द पावर एन, ये पूरा हमारा एम हो गया और इसकी पावर एन, तो लॉग एम रेज द पावर एन क्या था एन लॉग एम, तो ये एन नीचे आ गया लॉग एम, यानी कि पावर लॉग बेस, ये आएगा हर क्वेश्चन में लॉग वाई वन बाई टू, ये हो गया हमारा, ये पूरा कंप्लीट हो गया एम, और ये नीचे वाला हो गया एन, तो लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये प्रॉपर्टी है हमारी लॉग की, तो लॉग एम माइनस लॉग एन। अब यहां पे लॉग एम इंटू एन मैंने प्रॉपर्टी लिखी नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज की थी, लॉग एम इंटू एन किसके इक्वल होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, वन बाई टू है लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन इंटू पी लॉग एम, और बाहर माइनस है, देखिए ये बाहर अंदर प्लस होंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो किस में चले जाएंगे सारे माइनस में, जब ब्रैकेट हटेगा, तो log m into n into p log m plus log n plus log p, तो बाहर माइनस है तो सारे माइनस में हो जाएंगे। सॉल्व कर लिया हमने, अब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 by y, अभी पिछली बार की हमने डिवाइड बाई डी एक्स 1 बाई टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा log u, जैसे log x का होता है 1 बाई x, 1 बाई एक्स माइनस वन प्लस 1 बाई एक्स माइनस टू माइनस 1 बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर, इसका भी यही आ गया, हमें निकालना है डिवाइड बाई डी एक्स, तो y राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो y की हम वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग वन, इसका ये लिख देंगे यूजिंग वन, हमने किस इक्वेशन का यूज किया वन का, तो हमारा ये क्या आ जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, y इक्वल टू x रेज द पावर x माइनस टू रेज द पावर साइन x। देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म है, इसको हम u मान लेते हैं, y इक्वल टू इसको हमने u मान लिया, इसको हमने v मान लिया, से का मतलब है इसको मैंने u कह दिया, इसको v कह दिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। अब ध्यान रखें जो y इक्वल टू x की पावर, कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, y इक्वल टू जिसमें आपको जीरो मार्क्स मिलेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log बोथ साइड्स ऐसे करते हैं बच्चे, और फिर क्या करते हैं log x की पावर x ऐसा लिख देते हैं, डेरिवेटिव बिल्कुल सही आएगा, बट ये चीज गलत हो गई, log m माइनस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, log m माइनस log n नहीं होता, तो इसका मतलब तो ये प्रॉपर्टी लगी, यानी कि वो क्या करते हैं सब पे log लगा देते हैं, इधर भी log हो गया, इधर भी log, इस पे भी log, जहां पे भी दो टर्म या तीन टर्म होंगी, सिंगल टर्म होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं, दोनों तरफ एक एक टर्म है, अगर एक तरफ
राइट हैंड साइड में y से उधर की तरफ अगर दो ड्रम है या तीन ड्रम है तो u और v मान के करेंगे आप क्वेश्चन को, ये आपका बिल्कुल जीरो मार्क्स मिलेंगे आपको, ये नहीं अडॉप्ट होगा आपका। अब हमने क्या निकालना, du by dx निकालना और dv by dx फाइंड आउट करने। तो u हमने किसको माना था, x की पावर x। अभी मैंने जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ था हमने इसका डेरिवेटिव निकाला था x रेज़ टू द पावर x का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वही सेम लॉग लेंगे तो लॉग u, लॉग लॉग u लॉग m रेज द पावर n, m log n प्रॉपर्टी लग गई यहां पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ गया हमारा d by dx ऑफ log u डेरिवेटिव ऑफ x log x। तो डेरिवेटिव log u का 1 by u du by dx, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, log x का क्या होगा 1 by x और सेकंड फंक्शन log x का 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास du by dx, u इधर आ जाएगा कितना आ गया 1 plus log x। तो du by dx u की वैल्यू हम पुट कर देंगे, u हमारा क्या था x raised to the power x, ये आ गया हमारा du by dx। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, dv by dx 2 raised to the power sin x। देखिए इसका हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a की पावर u का डेरिवेटिव निकालने का, a की पावर u log a डेरिवेटिव फिर u का, ये होता है। अगर हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना चाहें 2 की पावर sin x, फिर 2 का log 2 आ जाएगा, फिर u का और डेरिवेटिव आता है जो पावर होती है x sin x का, तो sin x का डेरिवेटिव और आ जाएगा। ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला भी होता है, अगर आप log लेके करना चाहें log लेके करके दिखा देता हूं मैं आपको, ये फॉर्मूला है आपका वैसे डायरेक्ट, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log v इक्वल टू log, तो दिस इंप्लाइज log v, जब तक log m रेज द पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा लेते आप तब तक डिफरेंशिएट ना करें, तो log m की पावर n, n log m डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 1 बाई v dv बाई dx। log 2 कांस्टेंट है, सिर्फ sin x का डेरिवेटिव आएगा, ध्यान रखें कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट एज भी रहता है, डेरिवेटिव किसका आता है फंक्शन का, तो dv बाई dx, तो v इधर चला गया log 2 इंटू cos x, और v कितना हमारा 2 रेज द पावर sin x, और ये वैल्यूज du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू दोनों पुट इक्वेशन, पुट वैल्यूज ऑफ du बाई dx एंड dv बाई dx इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास हमने निकालना तो dy बाई dx था ना, du बाई dx की वैल्यू क्या है u, u का वो है हमारा x रेज द पावर x 1 प्लस log x, dv बाई dx माइनस है, dv बाई dx क्या 2 रेज द पावर sin x log 2 into cos x, यार ये आ गया हमारा dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, लेट y x plus 3 raise the power 2, x plus 4 raise the power 3 into x plus 5 raise the power 4, taking log on both sides, log लिए हमने दोनों तरफ, तो log m into n into p, तो log m plus log n plus log p हो गया हमारा, ये हमने logarithm की property use की है, log y is equal to log m raised to the power n, n log m, log m raised to the power n, n log m, log m raised to the power n, n log m लगाया हमने, ये property लगाई है। अब हम क्या करेंगे, differentiate कर देंगे दोनों sides with respect to x, property use हमने कर ली, तो log y का derivative आपको पता है 1 by y dy by dx,
टू लॉग एक्स प्लस थ्री का लॉग यू वन बाई यू, फिर डेरिवेटिव किसका एक्स प्लस थ्री का और आएगा जो कि वन आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसी तरह इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, हमने निकालना डिवाइड बाई डी एक्स है, वी राइट हैंड साइड चला जाएगा सॉरी वाई, तो वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर एक्स प्लस फोर की क्यूब एक्स प्लस फाइव की पावर फोर, तो ये हमारा डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, y इक्वल टू x प्लस वन बाई एक्स रेज द पावर x प्लस x रेज टू द पावर वन प्लस वन बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था राइट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म है, अभी हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, हमारा जीरो मार्क्स मिलेंगे। इसको u प्लस v से करेंगे, y इक्वल टू u प्लस v से, यानी कि u हमने इसको मान लिया, इसको v मान लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब हम डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे और डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यू हमने किसको माना था एक्स प्लस वन बाई एक्स रेज द पावर एक्स, आप इसका एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज एज इट इज रहने दो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स log u, तो log x प्लस वन बाई एक्स रेज द पावर x, डिफरेंस log m रेज द पावर n की प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर करेंगे डिफरेंशिएट, log m रेज द पावर n, n log m, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u डेरिवेटिव डिवाइड डी एक्स एक्स लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, लॉग यू का डेरिवेटिव वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, और इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव एक्स का कितना होगा वन डेरिवेटिव सेकंड, तो दिस इंप्लाइज डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इन टू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स का डेरिवेटिव कितना था वन, और वन बाई एक्स का डेरिवेटिव ध्यान से देखें, एक्स प्लस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव लेना हमें, एक्स का वन हो गया, वन बाई एक्स का दो तरीके हैं आपको वन बाई एक्स का डेरिवेटिव निकालने के, एक तो मैं इस पर कोशेंट रूल लगा सकता हूं, और एक क्या है डेरिवेटिव x की पावर ऊपर चली गई माइनस वन हो गई, x रेज द पावर n पावर आगे आ गई एक पावर घट गई, यानी कि माइनस वन बाई एक्स की स्क्वायर। इसका शॉर्टकट बताता हूं, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव इसकी पावर वन है तो ऊपर पावर चली जाती है एक नीचे पावर बढ़ जाती है, फिर आगे इसी तरह मान लो इसी का डेरिवेटिव फिर लेना है माइनस वन है इसी की पावर ऊपर चली गई और नीचे एक पावर बढ़ जाती है, इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं वन बाई एक्स पावर कितनी वन ऊपर जाके माइनस वन होगी नीचे क्या होगी एक बढ़ गई, ठीक है आपकी मर्जी, आप कोशेंट रूल लगा सकते हो या एक्स की पावर माइनस वन समझ सकते हो, एक्स की पावर एन से आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगला लॉग एक्स प्लस वन प्लस एक्स, तो दिस इंप्लाइज डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, यू हमारा क्या था x प्लस वन बाई एक्स की होल पावर x, यह आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन एक x कैंसिल हो जाएगा नीचे आ गया x प्लस log x प्लस वन बाई एक्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना dy बाई बाई डी एक्स, y क्या हमारा सॉरी v क्या हमारा x प्लस एक्स रेज द पावर वन प्लस वन बाई एक्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स log v इज इक्वल टू log x वन प्लस वन बाई एक्स, log m रेज द पावर n log v log m रेज द पावर n, देखो ये ऐसे है log x
तो लॉग एम रेज द पावर एन 1 प्लस 1 बाई एक्स लॉग एम प्रॉपर्टी लगाई हमने यहां पे। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन प्लस वन बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, तो लॉग वी का डेरिवेटिव वन बाई वी डीवी बाई डी एक्स, इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, वन प्लस वन बाई एक्स फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड, वन का जीरो और वन बाई एक्स का क्या होता है माइनस वन बाई एक्स की, अभी डेरिवेटिव हमने लिया था वन बाई एक्स का, मैंने डायरेक्ट लिख दिया अभी डेरिवेटिव, तो दिस इंप्लाइज डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वी, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स जो कि माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स की स्क्वायर, पुटिंग वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डीवाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे डीवी बाई डी एक्स की और डीवी बाई डी एक्स की, तो डीवाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, बस वैल्यूज लिख देनी आपने पुट कर देनी, हमने यहां पे वैल्यू पुट नहीं की वी की, तो वी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, वी की वैल्यू हमारी वी की वैल्यू है यहां पे, वी हमने इसको माना था एक्स रेज द पावर वन प्लस वन बाई एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस वन एक्स की स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन वन, दोनों वैल्यूज रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, बस ये वैल्यूज रखनी है आपने, ये क्या एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस डी का पी डी एक्स एक्स रेज द पावर वन प्लस एक्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की स्क्वायर माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, लेट वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी से, तो यू हो गया हमारा ये और ये हो गया हमारा वी, वही सेम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाई डी एक्स क्या हो गया डी यू बाई डी एक्स और प्लस डीवी बाई डी एक्स, हमने क्या निकालना डी यू बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स, और यू हमारा क्या लॉग एक्स रेज द पावर एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ये लॉग एम रेज द पावर एन, तो क्या होती है प्रॉपर्टी एन लॉग एम, ये m हो गया ये n, तो n log m, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल, ये ध्यान दें ये log u है एक ही फंक्शन है सिर्फ, और x ये हो गया अनदर फंक्शन, तो सिर्फ ये दो ही फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड और सेकेंड डेरिवेटिव एक्स का वन, तो यू में माना वन बाई डी यू बाई डी एक्स यू एक्स डेरिवेटिव लॉग लॉग एक्स का, लास्ट लेक्चर में आपने किया लॉग यू वन बाई लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो यू की वैल्यू पुट कर देंगे, यू की वैल्यू क्या लॉग एक्स रेज द पावर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या है वन बाई लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, अब हमने क्या निकाला डी वी बाई डी एक्स, तो वी क्या हमारा एक्स रेज द पावर लॉग एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग एम रेज द पावर एन,
दिस इंप्लाइज लॉग वी, एन हमारा लॉग एक्स है, लॉग ऑफ बेस लॉग एक्स की होल स्क्वायर। आप इसको प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, बट लॉग एक्स की स्क्वायर ली देते हैं हम, यू की पावर एन। जैसे मैंने बताया बेस के ऊपर पावर हो, पावर कॉन्स्टेंट हो, तो आप उसको एक्स की एन समझें या यू की पावर एन। जैसे एक्स की एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, फिर एक्स का और आता है तो डेरिवेटिव वन। ठीक है, तो लॉग वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वी का होगा वन बाई वी डीवी बाई डी एक्स, और इसका क्या होगा टू लॉग एक्स, फिर डेरिवेटिव किसका लॉग एक्स का और डेरिवेटिव आएगा। तो डीवी बाई डी एक्स वी टू लॉग एक्स, और वी की वैल्यू क्या है हमारी एक्स रेज द पावर लॉग एक्स। अब पुट कर लेंगे आप वैल्यू, डिवाइड बाई एक्स, पुट वैल्यूज ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में वैल्यू पुट की तो डिवाइड बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, ये हमारा लॉग एक्स रेज द पावर एक्स वन बाई लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स और प्लस डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एक्स रेज द पावर लॉग एक्स टू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया हमारा।